देखिए आज छत्तीसगढ़ में आप शिक्षा चाहते हो तो आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना है, बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ता है। 10-15 लाख रुपए पहले दो, फिर इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, लॉयर बनो। कोई बीमार होता है वही कहानी, सारे के सारे अस्पताल प्राइवेट हैं। एक्सरे की जरूरत 10-15 हजार रुपए, इलाज की जरूरत, ऑपरेशन लाखों रुपए निकालो। कांग्रेस पार्टी आएगी तो टॉप क्वालिटी के सरकारी अस्पताल और टॉप क्वालिटी के सरकारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हम खोलेंगे, और इनमें आपको कम से कम पैसे देकर अपने बच्चों की शिक्षा और अपना स्वास्थ्य मिलेगा। ये करना मुश्किल नहीं है, सीधी सी बात है। या आप अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दो, या फिर आप छत्तीसगढ़ के जनता को स्कूल और कॉलेज दो, चुनना पड़ेगा। मोदी जी भ्रष्टाचार की बात क्यों नहीं करते, मैं आपको बताता हूं। बोल नहीं पाएंगे स्टेज से। आज नरेंद्र मोदी यह नहीं बोल सकता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं खड़ा हूं। मैं आपको बताता हूं क्यों। यूपीए की सरकार थी, वायुसेना को 126 हवाई जहाजों की जरूरत, एयरफोर्स ने पूरी रिसर्च की, अलग अलग कंपनियों से बात की और एयरफोर्स ने बोला कि हमें 126 हवाई जहाज चाहिए, फ्रांस के हवाई जहाज चाहिए, राफेल नाम है, हमें यह हवाई जहाज चाहिए। यूपीए सरकार ने कहा कि हां भैया आपने हवाई जहाज चुना है, मगर हमारी शर्त है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी इस हवाई जहाज को बनाएगी। हवाई जहाज का दाम 526 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। यूपीए की सरकार गई, मोदी जी आए, पहला काम उनका फ्रांस गए, किसके साथ? अनिल अंबानी के साथ। पता लगा लो, नरेंद्र मोदी के डेलीगेशन में अनिल अंबानी बैठा हुआ था, दोनों एक साथ फ्रांस गए। 126 हवाई जहाज के बजाय 36 हवाई जहाज खरीदे, और जो हवाई जहाज 526 करोड़ का था उसे नरेंद्र मोदी जी ने 1600 करोड़ रुपए में खरीदा। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने सरकारी कंपनी से डील छीनी। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड 70 साल से हवाई जहाज बना रही। कारगिल में जो बम गिराए थे पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी सेना के ऊपर, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के हवाई जहाज ने गिराए। एक रुपया कर्जा नहीं है उनपे, उल्टा वो सरकार को पैसा देते हैं। 3,000 करोड़ रुपए उन्होंने हिंदुस्तान की सरकार को दिया, सरकारी कंपनी ने। नरेंद्र मोदी जी ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट छीना और अनिल अंबानी को दिया। अनिल अंबानी ने जिंदगी में एक हवाई जहाज नहीं बनाया। 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, सरकारी बैंक से पैसा लिया उसने। भाइयों और बहनों, कॉन्ट्रैक्ट मिलने के 10 दिन पहले अनिल अंबानी ने कंपनी खोली जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला। एयरफोर्स से नहीं पूछा, डिफेंस मिनिस्टर से नहीं पूछा, नरेंद्र मोदी ने स्वयं यह निर्णय लिया। इसीलिए नरेंद्र मोदी आज अपने भाषण में भ्रष्टाचार की बात नहीं कर सकता है। चौकीदार, और इसीलिए अब वो ना रोजगार की बात करते हैं, ना भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ना किसानों की बात करते हैं। ये सच्चाई है। एक भी भाषण में फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा, देखो राहुल गांधी ने नहीं कहा, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा, एक मिनट भैया, भैया ठहर जाओ, डिस्टर्ब मत करो। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा, पत्रकार ने उनसे पूछा, कहा कि देखो अनिल अंबानी को
ये हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट आपने क्यों दिया? फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हमें बताया कि अगर फ्रांस की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो अनिल अंबानी को देना ही पड़ेगा। मतलब फ्रांस का राष्ट्रपति पत्रकारों को कह रहा है, खुल के कह रहा है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोर है, मगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कह रहा है। भ्रष्टाचार के बारे में अब बोलता ही नहीं है, राफेल के बारे में एक शब्द नहीं कहता, अनिल अंबानी के बारे में एक शब्द नहीं कहता, क्योंकि चौकीदार। अच्छा, अब चौकीदार से छत्तीसगढ़ चलते हैं, चिटफंड की बात करते हैं। 5,000 करोड़ रुपए जनता का पैसा चिटफंड में बर्बाद हुआ। अलग अलग कंपनियां आई, रमन सिंह जी के मित्र, इन्होंने कंपनी खोली, आपने उसमें अपना पैसा डाला और फिर कंपनी वाले भाग गए और आपका जबरदस्त नुकसान हुआ, आपको पैसा वापस नहीं मिला। इंक्वायरी हुई, कोई जेल गया, किसी को सजा मिली? नान घोटाला, पीडीएस घोटाला, 36,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ से चोरी किए जाते हैं। डायरी पाई जाती है, डायरी में साफ लिखा है सीएम मैडम को पैसा गया। ये सीएम मैडम कौन है? मैं रमन सिंह जी से पूछना चाहता हूं, ये सीएम मैडम कौन है जिनका नाम डायरी में आया? डायरी में डॉक्टर साहब का भी नाम आया, डॉक्टर साहब को पैसा दिया, ये डॉक्टर साहब कौन है? तो सच्चाई है कि चाहे वो सचिव छत्तीसगढ़ हो, रमन सिंह जी हो या नरेंद्र मोदी हो, खुल के भ्रष्टाचार करते हैं। चाहे वो राफेल हो, नान घोटाला हो, चिट फंड हो। अच्छा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जेल चला गया। पाकिस्तान में नवाज शरीफ को जेल में डाला क्योंकि उसका नाम पैनामा पेपर्स में आ गया। और छत्तीसगढ़ में चीफ मिनिस्टर का बेटे का नाम पैनामा पेपर्स में आता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, कार्रवाई होगी, चाहे वो दिल्ली में हो या छत्तीसगढ़ में। जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको हम पकड़ के अंदर कर देंगे, कोई नहीं बचने वाला है। अब चुनाव का समय है, कांग्रेस पार्टी के यहां कार्यकर्ता खड़े हैं, आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो, आप विचारधारा के लिए लड़ते हो, और मैं आपसे 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले, मैंने आपसे वायदा किया था कि टिकट सही बटेंगे और पैराशूट से किसी को टिकट नहीं मिलेगा, और मैंने वो वायदा पूरा किया। छत्तीसगढ़ कार्यकर्ता की बात सुनकर, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात सुनकर हमने टिकट दिए हैं। और हमारे प्रेस के मित्र कहते हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त अच्छी तरीके से टिकट दिए हैं। तो अब आप सबको एक साथ मिलकर लड़ना है। आपकी सरकार आने वाली है, किसानों की, मजदूरों की, गरीब जनता की सरकार होगी, मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की भी सरकार होगी। और गरीबों के लिए और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर, मंत्रियों, एमएलए और एमपी के दरवाजे खुले मिलेंगे। और जो जनता चाहेगी, मोदी जी जहां भी जाते हैं कहते हैं मन की बात करते हैं आपसे, मन की बात, जहां भी जाएंगे मन की बात। हम आपसे अपनी मन की बात नहीं करना चाहते हैं,
हम आपकी मन की बात सुनकर काम करना चाहते हैं। आप हमें बताओ, चाहे वो किसान हो, छोटा दुकानदार हो, दलित, आदिवासी, मजदूर, युवा, महिलाएं, जो भी आप हमसे चाहते हो, आप हमें बताओ, हम सुनकर आपके लिए काम करेंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। मैं आपसे ये कहता हूं कि जो आपने स्टेज से सुन लिया, चाहे वो किसान का कर्जा माफ हो, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग प्लांट की बात हो, वो पूरी हो जाएगी, ये मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूं। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।